मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष व प्रधानमंत्री के रूप में उनके 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल द्वारा मुरार बारादरी चौराहे पर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, जिला महामंत्री शरद गौतम, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विवेक चौहान, मंडल अध्यक्ष हरिओम झा, अविनाश यादव, मनीष भिलवाड़ जी, प्रिंस मझवार जी और साथ ही में मोनू पवैया, पीयूष उपाध्याय, अंशुल भार्गव, छोटू तोमर, यश छारी, साथ में हर्ष श्रीवास्तव, राजकुमार यादव, गुलाब सिंगर, राहुल गुर्जर, दिनेश श्रीवास, नितेश भदौरिया, विश्वेंद्र शिकरवार उपस्थित थे। इसके अलावा पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के द्वारा जिला अस्पताल मुरार में मरीजों को भोजन एवं फल वितरित किया गया। ब्लड डोनेट करने वालों में मयंक गोयल, विनोद कुमार बाथव, मोनू पवैया, मंजू झा, साथ ही में एदल गुर्जर और पुष्पेंद्र राजावत सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार में 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 7 वर्ष में इस देश के किसानों के लिए, इस देश के आम आदमी के लिए जो योजनाएं उन्होंने दी हैं, जिसका लाभ आम जन को मिला है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर जो कहा वो किया है। राम मंदिर का मामला था और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो था कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे। विपक्षी पार्टी कहती थी कि ये खाली वोट, जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए राम मंदिर का मतलब उठा देते हैं, इनको राम मंदिर बनाना नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का सीक्रेट करके ये बता दिया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो 125 करोड़ देशवासियों का रास्ता कहन था राम मंदिर, उस 125 करोड़ देशवासियों की आस्था को, विश्वास को उन्होंने टूटने दिया और राम मंदिर का समर्थन करा दिया। काश्मीर में धारा 370 का मामला था और सब मानते थे कि काश्मीर इस देश की धारा से अलग कटा हुआ है, आतंकवाद की जड़ें में पनप रही है और इसका मेन कारण धारा 370 थी। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो धारा 370 को हटाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सीना 56 इंची का चाहिए, उन्होंने बता दिया कि हमारा सीना 56 इंची का है और सरकार बनने के बाद अपने इस वादे को पूरा किया और काश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम किया। तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा वो करने का काम किया है। आज के स्तर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें और इसी प्रकार 125 करोड़ देशवासियों के जन उत्थान के लिए, उनकी जिंदगी में बदलाव के लिए जिस प्रकार की नीतियाँ उठा रहे हैं उस नीतियों को लगातार जारी रहें, देश की जनता उनके साथ है। आज इसी क्रम में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भगत सिंह मंडल ने ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा था, जिसमें 5 नौजवानों ने और एक हमारी मेरा मित्री है, 6 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। ब्लड डोनेशन का उद्देश्य यही है कि हमारे पीड़ित मरीज हैं जिनको कोरोना की महामारी में आवश्यकता है ब्लड की, तो निश्चित तौर पर वो ब्लड जो हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है, वो ब्लड हमारे मरीजों के काम आएगा। इस पुलिस कार्य में भाग लेने वाले नौजवानों को धन्यवाद करता हूँ।
पिछले का राज जिला हॉस्पिटल के अंदर सेवा पथ मनाया था, जिसमें हमारे जिला हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके अटेंडरों को आज बहुत भोजन में वितरण किया गया। सैकड़ों मरीजों को उनके अटेंडरों को भेज दिया गया। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी सहित भगत सिंह मंडल द्वारा किया गया। तो भाजपा इस संकट की घड़ी में, कोरोना संकट की घड़ी में जो मरीज हैं, जो परेशान हैं, उनके अटेंडर परेशान है, उनको राहत मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का है। तो आज सभी ने मिलकर ब्लड डोनेशन का और जिला हॉस्पिटल में मरीजों को भोजन करने का काम किया है, उसके लिए मैं कार्यक्रम से अनुरोध करता हूँ। इस प्रकार कार्यक्रम चलता रहेगा और जनसेवा का भाव जो भारतीय जनता पार्टी का है, जनसेवा का भाव पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार चलती रहेगी। इसी का वॉइस ऑफ रेड्स के ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।